व्यापार को करने के लिए ये सब कार्य बुद्धिपूर्वक जो आप करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलो करते हैं। इतने सब कार्य को बुद्धिपूर्वक करने के बावजूद भी लाभ होना और न होना वो कब होगा कि जब बुद्धिपूर्वक कार्य तो आप करो और अबुद्धिपूर्वक जो होने वाली कार्य स्वयं में वो हो, तब जाके कार्य होगा। कार्य कब होगा? कार्य कब होगा? बुद्धिपूर्वक उसका तो आपको करना पड़ेगा उद्यम, और अबुद्धिपूर्वक क्या होते हैं? स्वयं में वो मिलते हैं, है ना। अब दो बातें समझनी है इसमें से, यदि दोनों में से, अभी यहां जो दो कारणों की बात चल रही, दोनों में से यदि एक कारण नहीं हो तो काम नहीं होगा। क्या बात पकड़ में आ गई आपको? क्योंकि उदाहरण छोड़ने वाले साहब ने बहुत मार्मिक दिया है। क्या दिया है कि यदि पुत्र रत्न प्राप्त करना है तो बुद्धिपूर्वक तो विवाह करना है एक काम, और दूसरा अबुद्धिपूर्वक यदि आपके पुत्र रत्न के इस प्रकार के योग है तो पुत्र रत्न हो जाएगा। दो बातें होंगी। अब आप बताओ इन दोनों कारणों में से कौन सा कारण नहीं हो और काम हो जाए? कौन सा कारण नहीं हो और काम हो जाए? तो बोले कारण तो दोनों चाहिए, ठीक है। बात बात तो बुद्धिपूर्वक उद्यम भी चाहिए और अबुद्धिपूर्वक जो कारण है वो भी मिलने चाहिए। आई बात सर, देखो इन दोनों कारणों में से किसी एक कारण को पकड़कर आप बैठ गए, है ना, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। आपने मात्र कार्य में जो अबुद्धिपूर्वक कारण है ना, उसी को मानकर बैठ गए तो आप प्रमादी हो जाओगे। क्या करना है मुझे तो है, होना होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा मान के बैठ जाओगे। और यदि आपने उद्यम करने वाले मात्र बुद्धिपूर्वक किए जाने वाले कार्य को ही कारण मानकर बैठ गए तो क्या होगा कि आपने उनको तो मिला है और कार्य नहीं हुआ तो डिप्रेशन में आ जाओगे आप, ठीक है। दो तरह की बीमारी हो जाएगी ना। कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी अजित भैया? एक तो आप प्रमादी हो जाओगे, एक आप डिप्रेशन में आ जाओगे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरे को पहला नंबर नहीं मिला है। जैसा कह रहे हैं टीचर वैसा ही पढ़ाई कर रहा हूं, जिन पुस्तक से उन्होंने कहा पढ़ रहा हूं वो कह रहे हैं कि इतने घंटे पढ़ो तो उससे एक घंटा ज्यादा पढ़ रहा हूं, उसके बाद भी मेरी पहली रैंक नहीं आई है, तो आप क्या हो जाओगे? डिप्रेशन में हो जाओगे। क्यों पहली रैंक क्यों नहीं आई उसकी? कि भाई तुमने बुद्धिपूर्वक कारण तो मिला है, लेकिन जो अबुद्धिपूर्वक कारण है वो जब तक स्वयं में नहीं मिलेंगे तब तक कार्य नहीं होगा। आई बात समझता ही आपको, ठीक है। तो अपने को बिल्कुल दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एक तरफ खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। एक तरफ खींचा हुआ मतलब आपको बुद्धिपूर्वक कार्य भी करना है और बुद्धिपूर्वक कार्य करते हुए भी यदि अपने को कारण मतलब कार्य नहीं होए अपना तो डिप्रेशन में भी नहीं आता है, क्योंकि एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए। आई बात समझ में? क्या मेरी पंक्ति में क्या लिखा डॉक्टर साहब ने? एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए। अब थोड़ा सा और मैं इसको धार देता हूं। अब बुद्धिपूर्वक जो है उपाय उसमें भी आपको जो योग्य उपाय है वो करना पड़ेगा। क्या क्या बात पकड़ में आई आपको? बुद्धिपूर्वक उपाय में भी कौन सा? जो योग्य उपाय है वो करना पड़ेगा। अब आपकी अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है, और आपके इंग्लिश में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको क्या करने पड़ेगा? सबसे पहले तो अंग्रेजी का जो योग्य टीचर है उसको ढूंढोगे, अच्छी पुस्तकें हैं जिसमें ये प्रैक्टिस दी करने की वो आप घर में भी अंग्रेजी पढ़ोगे, है ना, बाहर से सबसे निवृत्त होकर दोस्तों से भी जब चर्चा करोगे तो उससे रिलेटेड आप चर्चा करोगे। ये तो हुआ उपाय। अब आपकी अंग्रेजी कमजोर है और आप मैथमेटिक्स पढ़ो तो क्या
बुद्धिपूर्वक आप क्या करो, मैथमेटिक्स पढ़ो तो काम होगा, अंग्रेजी सुधर जाएगी आपकी। बोलो भाई क्यों, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बुद्धिपूर्वक उपाय है वो आपको यथार्थ करना है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, सम्यक दर्शन रूपी पुत्र की उत्पत्ति के लिए बुद्धिपूर्वक उपाय में क्या आवश्यक है, तो बोले तत्व का अभ्यास करना है। क्या करना है, तत्व विचार करना है, आगम का अभ्यास करना है ना, योगी गुरुओं से आचार्य देव की अपेक्षा को समझनी है, उन्होंने जो अपेक्षा बतलाई है उसका एकांत में जाकर अंतरंग में विचार करना है, बारंबार विचार करके जब तक आपको ये निर्णय नहीं ये बात ही सही है तब तक आपको विचार करना है। ये तो हुआ योग्य उपाय है ना। कोई ये उपाय तो न करे और बोले मैं तो पूजा रोज करता हूँ, मैं तो अभिषेक रोज करता हूँ, मैं तो व्रत भी करता हूँ, मैं यात्रा भी करके आया हूँ, मैं दान भी दे रहा हूँ, तो उसने बुद्धिपूर्वक योग के पुरुषार्थ किया क्या? आई बात कठिन हो गया फिर से कठिन हो गया आपको नहीं हुआ कठिन का क्या? जब आपकी अंग्रेजी कमजोर है, आपको अंग्रेजी में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अंग्रेजी को मजबूत करने के जो बुद्धिपूर्वक योग्य उपाय है उनको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन का बुद्धिपूर्वक योग्य उपाय करना पड़ेगा। भाई साहब बात पकड़ में आएगा, अब सम्यक दर्शन का क्या योग्य उपाय है कि भैया तत्व विचार करना पड़ेगा, आगम का अभ्यास करना पड़ेगा, युक्तियों का अवलंबन लेना पड़ेगा, गुरुओं के उपदेश को मिलान करना पड़ेगा, वस्तु का यथार्थ निर्णय करके भेद विज्ञान करना पड़ेगा। ये तो पूरा क्रम है, आप इस क्रम को न करो और आप बोलो मैं तो पूजा करता हूँ, मैं विधान करता हूँ, मैं तीर्थ यात्रा करके आता हूँ, मैं दान देता हूँ, तब तो मेरे को सम्यक दर्शन हो जाएगा क्योंकि ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। अरे भैया यहाँ व्यवहार और निश्चय ये दोनों एक साथ घटते हैं, आगे पीछे नहीं। बात पकड़ में आई आपको? क्या बात पकड़ में आगे फिर है धार समझ रहे मैंने विषय को कि बुद्धिपूर्वक उद्यम करना मतलब बुद्धिपूर्वक क्या योग्य बुद्धिपूर्वक उद्यम करना जो उसका वास्तव में कारण है वो मिला था। अब तू सात तत्वों का विचार नहीं करता है और सम्यक दर्शन के लिए कोई अपनी मर्जी से कारण मान के उसका उद्यम करता है तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? बात पकड़ में आई आपसे? कठिन तो नहीं होगी है? अभी बोले जी मैं उनको समझाना भाई, लेकिन एक बात और है, यहां तो प्रधानमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक किए गए योग्य कार्य करने के पश्चात भी यदि अबुद्धिपूर्वक कारण नहीं मिले तो कार्य नहीं होता है, तो तेरे को डिप्रेशन में नहीं आना है। तेरी जिम्मेदारी क्या है, तेरे को तो जो योग्य कारण है बुद्धिपूर्वक उसको मिलान करना है, ये तेरा काम। आई बात समझ में क्या? बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ वो तो सुधार करना ही है, वो तो आपको योग के कारण पूरे करना ही है, सात तत्वों का आपको आगम से अभ्यास करना है, अपेक्षाएं आचार्यों की नहीं समझ में आएगी तो ज्ञानी गुरुओं की सरलता से अत्यंत विनय से उनसे पूछना है, उनके उत्तर आए उसका एकांत में जाकर विचार करना है, फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर उनसे पूछना है, फिर एकांत में जाकर विचार करना है। जब तक आपको आत्मा का पूरा यथार्थ निर्णय नहीं हो जाता है तब तक आपको अभ्यास करते रहना, निर्णय हो जाए तब उसको भेद विज्ञान की प्रक्रिया है, अनुभूति की प्रक्रिया जो आचार्य देव ने बताई है वो आपको करनी है। करते रहेंगे करते रहो, सब कर रहा हूं सम्यक दर्शन नहीं होगा, अब बुद्धिपूर्वक कारण मिल जाएंगे हो जाएगा सम्यक दर्शन खत्म, सब अबुद्धिपूर्वक कारण को मिला दू मैं। अरे उसको नाम ही इसलिए कहा है कि अबुद्धिपूर्वक, यहां तेरी बुद्धि नहीं चलती,
आई बात है क्या? तो समय व्यसन के लिए क्या करना है? अपने को बुद्धिपूर्वक कारण मिलाने हैं, इसलिए लिया लिखा है उन्हें तो उद्यम करके मिला है। क्या लिखा टोटल मिले सामने? बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिला है। उद्यम करके मिला है मतलब यहाँ क्या अर्थ समझना, योग्य कारण को उद्यम करके मिला है। क्या अजित भैया? क्या योग्य कारण को उद्यम करके मिला है? सम्यक दर्शन के लिए योग्य कारण क्या है? हाँ, आगम का अभ्यास, तत्व विचार है ना, युक्ति का अवलंबन लेना, गुरुओं के उद्देश्य का मिलान करना। जब तक आत्मा के संबंध में आपको अच्छे तरीके से बात समझ में नहीं आए तब तक आपको अभ्यास करते रहना। सात तत्व के संबंध में यथार्थ विचार करना है ना, उसका निर्णय लेना सही बात क्या है। अगर तू ये काम नहीं करता है और धर्म के नाम पर या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के नाम पर और कोई काम करता है और ये मानता है कि मेरे को सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो अभी तो तेरे बुद्धिपूर्वक जो कारण मिलाने थे उसको भी नहीं मिलाया। सम्यक दर्शन तो दूर की बात। अब प्रथमा नियोग के उदाहरण ले लोगे आप, हाथी ने कौन सा आगम का अभ्यास करा, शेर ने कौन सा आगम का अभ्यास करा, उसके तो बस क्या हो गया, दर्शन मोहनि के उपशम का काल आ गया तो निंदिदारी मुनिराज निमित्त के रूप में आ गए और उनने उपदेश दे दिया और इसने सुन लिया और सम्यक दर्शन हो गया। ऐसे हमारे भी जब काल गति पकेगी तो बाहर में कोई न कोई निमित्त हो जाएगा और काम हो जाएगा, ऐसा ही है। भैया वो जो है ना उनके धारणा ज्ञान में काम होके पड़ा हुआ था, आई बात समझ में? उनके धारणा ज्ञान में काम होके पड़ा हुआ था, ठीक है। तो बुद्धिपूर्वक काम तो उन्होंने पहले कर लिए थे, लेकिन अब बुद्धिपूर्वक जो कारण नहीं मिले थे अब जब वो मिल गए तो काम हो गया, ठीक है, आई बात समझ में? तो अपने को क्या करना है, तत्व का अभ्यास करना है। जो कोई भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहता है उसको पहले में पहले क्या करना है, तत्व का अभ्यास करना है। सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, आई बात समझ में? कोई बोले पूजा दया दान व्रत उपवास इनको करके सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो भैया ये बुद्धिपूर्वक कारण भी नहीं करे कि नहीं करे। अब फिर प्रश्न है कि वो करे कि नहीं करे, दान दे के नहीं दे, व्रत करे कि नहीं करे, है बोला प्रश्न तो ये। तो हम काम ना कर रहे हैं, अपन तो ये कह रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक जो कारण है उसको सपोर्ट करते हो, ये उसमें विशेष पेनापन लाते हैं तो करो, आई बात समझ? कौन मना कर रहा है? क्या क्या भाई, आपके बुद्धिपूर्वक जो कारण है तत्व विचार, उसमें यदि आप यात्रा करने गए, 15 दिन आप घर से निवृत्त हुए, यहां से फ्री हुए, उस क्षेत्र में गए, वहां विशुद्धि हुई, साधन योग से मिलन हुआ, तत्व विचार गहरा हुआ और आपका अभ्यास बढ़ा, करो, कौन मना कर रहा है? आज आपने एक आसन करा, सुबह का खाना खाया, शाम को बनाना नहीं, आपने 3-4 घंटे खूब गहराई से विचार किया, करो। लेकिन ये काम नहीं करो, क्या नहीं करो, तत्व विचार नहीं करो और मात्र भूखे रह जाओ या दोस्तों के साथ घूमकर आउटिंग करके यात्रा करके आ जाओ और फिर बोलो कि हमारे को सम्यक दर्शन, भले भैया ये कोई विधि नहीं है। समझ में आ गया आपको बात, कठिन तो नहीं है, एंगल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विजन लोग में बहुत इसका विजन क्लियर है। आप छोटी सी दुकान 5-10 लाख रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार करना चाहते हो तो कितना सोचते हो, कहां दुकान खोलूं, कौन सा माल लाऊं, किस जगह माल बेचूं, कितने मुनाफे से बेचूं, कौन मेरा कॉम्पिटिटर है, उधार दूं कि नहीं दूं, होलसेल करूं कि रिटेल करूं, कितना दिमाग लगाते हो आप,
छोटी सी दुकान लगा दी और आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा, आचार्य देव ने क्या बताया है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या विधि है, क्या सात्व का स्वरूप है, कैसे उसमें यथार्थ निर्णय करना है, आचार्य देव की जो जो कथन की अपेक्षा है उसको मिलान करना है, आप इसमें कुछ नहीं करते हो। आपने तो भाई जो चल रहा है जय नाथ परम गुरु हो है, भाई हो गया काम अपना, उससे थोड़ी होगा क्या, बात पकड़ में आ गई आपको, क्या बात पकड़ में आ गई, देखो क्या लिखा करोड़पति साहब ने, उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिला है, मतलब उद्यम करके मिला है मतलब वो अभी आपको बुद्धिपूर्वक करना है, मिलाना है। आज आप क्या करें, हमारे यहाँ तो पाठशाला नहीं चलती है, हमारे यहाँ तो ज्ञानी नहीं है, हमारे को तो कोई समझाने वाला नहीं है, तो भैया आप बुद्धिपूर्वक मिलाओ, जहां समझाने वाले हैं वहां जाओ, वहां रहने से आपको काम नहीं होगा, ऐसा समझ है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक काम तो मिलाना है ना, उद्यम करके मिलाना है, सब हमारे यहाँ तो निर्वाणी नहीं है, तो जहां से मिलती है वहां से लाओ, उनका प्रवचन नहीं है तो भाई आप सीढ़ी से सुनो कुछ भी, आपको क्या करना है, यथार्थ निर्णय करना है सात तत्वों का, आई बात समझ, आप सोचोगे ये बहाना बनाकर हम छटक जाए तो ये आपने बुद्धिपूर्वक कार्य का उद्यम कहां करा है, सात तत्व विचार में तो हमारा मन ही नहीं लगता है, 24 घंटे हमारा उपयोग बार बार जाता है, बार बार जाता है, दुकान जाता है, समाज में जाता है, व्यापार में जाता है, घर में जाता है, तो फिर क्या कहते हैं आचार्य देव के, निवृत्ति लेकर करो, निवृत्ति मतलब नियम ले लो कि मेरे वहां नहीं जाना, तो आपका नियम लेने से काम हो जाएगा, भैया नियम काहे के लिए लिए जा रहे हैं कि वहां से आपका उपयोग हटे और इधर लगे, आपने उस नियम को पकड़ लिया, बुद्धिपूर्वक निवृत्ति लेनी चाहिए अपनी भूमिका में, क्योंकि अपना उपयोग बहुत चंचल है, आई बात समझ, बार 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 वही भटकता है, कहां भटकता है, रुचि तो हमारे को जगत की है, ठीक है, अब रुचि जब पलटे तो काम पलटे, अब रुचि को पलटने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कीमत आनी चाहिए ना आत्मा की, है ना, तो क्या करना है आपको कि बुद्धिपूर्वक निवृत्ति ले लो, वो वीरेंद्र जी पंडित साहब थे ना आगरा वाले पंडित साहब, वो कहते थे कि वो घर में आए बच्चे से पूछे दादाजी कहाँ होंगे, तो बोले मंदिर, जब भी पूछेंगे तो बोलेगा क्या मंदिर होंगे, तो घर कितने कब आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं फिर मंदिर चले जाते हैं, ठीक है, फिर शाम को बोले खाना खाने के लिए आते हैं मंदिर चले जाते हैं, ठीक, तो भैया मंदिर में क्यों, जिसका जहां उपयोग लगेगा वहां, अब घर में रहेंगे घर के काम बताए, मैंने आपको एक बार बोला था ना, यदि आप घर में फ्री बैठो तो कौन बैठे देगा फ्री आप, कोई ना कोई कोई ना कोई काम बता देगा भरा देगा, हा? तो आप क्या करो, निवृत्ति पूर्वक अभ्यास करो, अब निवृत्ति पूर्वक अभ्यास करा, ठीक है, अगर आपको ऐसी है अनुकूलता है कि एक समय भोजन कर लिया और उपयोग हमारा डाइवर्ट नहीं होता है, एक समय भोजन करो और आप अभ्यास करो, करना क्या है, अपने को तत्व विचार करना है, तत्व निर्णय करना है, उसमें भले एक आसन करके करो क्षेत्र छोड़ के करो, लेकिन ये नहीं करो और एक आसन करो क्षेत्र छोड़ दो जान दे दो तो कोई उसमें कोई आई बात सर, ये है बात, गड़बड़ तो नहीं करोगे आप, गड़बड़ तो नहीं करोगे, क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, उन्हें तो उद्यम करके मिला है, लोग के काम में कितनी मेहनत करते हैं आप बताओ, कोई आपके पसंद की चीज है उदयपुर में नहीं मिलती है तो आप बोलेंगे चित्तौड़ से ले आएंगे, वहां नहीं मिलती है तो स्वरूपगंज से ले आएंगे, ये डिजाइन तो साउथ में बनती है तो वहां से बनवा लेंगे, नहीं करते वहां है, ये ऑर्नामेंट यहां नहीं मिलते तो वहां से मंगा लेंगे, अरे ऑर्नामेंट तो जाने दो, आपको ऐसा भी रहता है ना खाने के आइटम कि वहां मूंग अच्छे मिलते हैं यहां चावल अच्छे मिलते हैं तो वहां से नहीं मंगाते हो, ये तो 2 किलो की आइटम है, तो उद्यम करते हो कि नहीं करते हो, और तत्व विचार के लिए
है साहब हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है, अब वहां जाना पड़ेगा, 100 रुपए का खर्चा हो जाएगा ऑटो को, हमको लाने ले जाने वाला नहीं है। अरे जाने दो, इसका मतलब है तेरे को काम नहीं करना है। बहाना मतलब काम नहीं करना है, ये ज्ञान है। देखो उन्हें जो उद्यम करके मिला है और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं मिले, उनको मिलाना नहीं है। क्या कर्म के उपशम को करना नहीं है, मिलाना नहीं है, ठीक है। भवितव्यता जो होगी वो होगी, उसमें तेरे को कुछ नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, बुद्धिपूर्वक कारणों को उद्यम करके मिलाना है, ठीक है। ये काम अपने को करना है। अब समय ग्रस्त को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो, क्या करना है, बुद्धिपूर्वक क्या करना है, तत्व विचार करना है, तत्व निर्णय करना है। अब तत्व विचार करने में आपके जो जो बाधाएं आ रही है उनको आप हटाओ बुद्धिपूर्वक, जिस जिस में आपके अनुकूलता हो रही है वो आप बुद्धिपूर्वक जोड़ो। सब आप सुबह प्रवचन को 9:45 होता है, अब हमारे बच्चों का तो भाई जाने का, स्कूल जाने का, टिफिन का यही समय रहता है। तो अब अगर यहाँ आओ आप आगे पीछे काम करो, नहीं हो तो आपके पास ये रिकॉर्डिंग है उसको सुनो, नहीं हो तो आपके पास जो समय हो उस समय में जहाँ चर्चा चलती हो वहां जाओ, लेकिन आप बहाना बनाकर छटक रहे हो तो काम नहीं चलने वाला है। क्या करें साहब, दिन में सुबह हम काम करते हैं, थक जाते हैं, दिन में सो जाते हैं, तो भैया प्रमाद आता है तो अब पढ़ने की इच्छा नहीं होती, एक रोटी सुबह कम खाओ आप, आई बात समझ, क्यों तत्व विचार नहीं करना, उसके लिए आप तर्क कुतर्क करते हो तो काम नहीं चलेगा। इसलिए टोडरमली साहब ने कहा ये तो उद्यम करके मिला, इसको तो मिला नहीं है, क्या इसको तो मिला नहीं है, आई बात समझ, उद्यम करके मिलाना। उदाहरण दिया शादी अब तो नहीं होती है, हमारे समाज में तो लड़कियां नहीं है, क्या है हमको बच्चा तो चाहिए और शादी नहीं करना हो ये कैसे होगा, आई बात समझ रहे। अब आप उद्यम करके मिलाओ, अब उदयपुर में नहीं है तो बाहर जाके नहीं ढूंढते हो बच्चे की शादी करने के, है नहीं दौड़ लगाते हो, है और तत्व विचार के लिए, ज्ञानियों के समागम के लिए, है इसका मतलब है अभी तेरे काल लब्ध ही नहीं बनी है। रविंद्र पंडित साहब कहते हैं क्या योग्य पुरुषार्थ पूर्वक ही भवितव्यता स्वीकारी जाती है, क्या क्या योग्य पुरुषार्थ पूर्वक ही भवितव्यता स्वीकारी जाती है। पहले में पहले योग्य पुरुषार्थ करना जरूरी है, तब बोलना कि जो होना होगा तभी होगा, और आप पुरुषार्थ ही नहीं करो और उनसे बोलो जो होना है सो नक्की है तो बोले काम नहीं चलो। क्या हुआ क्रमपद क्या होता है, नहीं स्वच्छंद ना हो गए, हम तो कह रहे सही पुरुषार्थ करो, जो क्रमबद्ध को नहीं मान रहे वो भी समय दर्शन का सही पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन तत्व विचार कर रहा है, कौन वेद विज्ञान कर रहा है, जयनाथ परम गुरु वो फूल उड़ा रहे हैं उनसे समय दर्शन थोड़ी हो जाएगा। भाई समय दर्शन का सही जो है बुद्धिपूर्वक वो तो करे, और जब वो अभ्यास करेगा तब उसको पता चलेगा क्रमबद्ध क्या है, बिना अभ्यास करे क्रमबद्ध क्या है, क्रमबद्ध कहां लगानी उसको पता ही नहीं है। भाई क्रमबद्ध कहां लगानी, क्रमबद्ध मतलब क्या कि इस जीव का कर्तापना छुड़ाना है, क्रमबद्ध का उद्देश्य क्या है कि इसको कर्तापना छुड़ाना है। कहां का कर्तापना, अब परदेवे में तो तू कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि परदेवे तो तेरे से भिन्न है और तेरी पर्याय में भी तू कुछ कर नहीं सकता, वो तो जो क्रम में आएगी तो फिर इसकी दृष्टि कहां जाएगी, इसका उपयोग कहां जाएगा कि एक ज्ञाता स्वभाव में जाएगा, तो ज्ञाता की स्वीकृति में ही क्रमबद्ध की स्वीकृति है। आई बात समझ, ये भी कहां से समझेगा जब आगम का अभ्यास करेगा, अब इधर उधर कुछ सुन लिया और डोले लगाए अपनी अपनी मर्जी से अर्थ निकाले उसका कहां अर्थ है, क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्या, ज्ञाता की स्वीकृति, ज्ञाता के निर्णय के साथ ही क्रमबद्ध की स्वीकृति है, बाकी तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। कर्तापन का बुद्धि उतरे तो उसने क्रमबद्ध पर्याय कहां स्वीकार किया, बोलो
कर्तापन का भूत उतरना चाहिए ना, मैं करने वाला करने वाला करने वाला करने वाला। किसका करने वाला? घर का करने वाला, शरीर का करने वाला है, पाप पुण्य को करने वाला है, मेरी पर्याय में समय दर्शन ज्ञान चारित्र को करने वाला। अरे वो कह रहे तेरे को जब तक ये भूते करने वाला तब तक तेरे साथ नहीं होगा। तो साहब समय दर्शन ज्ञान चारित्र मेरी पर्याय में मैं नहीं करूंगा। बोले वो तो क्रम से आ जाएगी, तू वहां से भी हट तो फिर कहां जाऊं? कि तेरे ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार कर कि मैं तो ज्ञाता हूं, करने वाला नहीं। वो है क्रमबद्ध। क्या ये टोटल बजे साहब की बात बहुत मार्मिक है। एक पक्ष को पकड़ के बैठ गया कि जो जब वो जो होनी है हो जाएगी, अब बुद्धिपूर्वक जो मिलना है मिल जाएगा, मैं कुछ नहीं करूं प्रमादी रहोगे तो भी काम नहीं होगा, क्योंकि एक कार्य में अनेक कारण चाहिए। ये कह रहे हैं टोटल बजे साहब। आई बात समझ? सिर्फ आप ये बैठ जाओ बस, मेरे बाकी में जो लिखा हुआ होगा हो जाएगा, ऊपर से पैसा टपकेगा है। बोलो कितने लोग लोक में ऐसी व्यवस्था करते हैं है? सब मिलेगा तो बाकी के अनुसार ही ना, फिर दुकान नौकरी है, वो बुद्धिपूर्वक नहीं करते उपाय है। भैया सब्जी भी जैसी बननी होगी वैसी ही बनेगी, उसकी योग्यता में तो भी बुद्धिपूर्वक सब्जी लेने जाओगे तो ताजी लेके आओगे, ऐसे बनानी है विकल्प करोगे, ये चीज लानी है बढ़िया से बढ़िया डाल, उसके बाद जो होनी है वो होगा, बुद्धिपूर्वक तो सब करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्या अरे हाजी है नाजी बात पकड़ रहा है आपको। चलो देखो क्या कहते हैं, अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं मिले तब कार्य सिद्धि होती है। ठीक है, कार्य कब होगा? दो चीज मिलनी चाहिए, एक तो बुद्धिपूर्वक उद्यम आप करो और अबुद्धिपूर्वक जो कारण स्वयं मिले। क्या? बुद्धिपूर्वक आप उद्यम करो और अबुद्धिपूर्वक स्वयं मिले तब जाके कार्य होगा। अब बुद्धिपूर्वक में ध्यान रखना, योग्य उद्यम करना है आपको, कुछ भी करना है ऐसा नहीं। आई बात समझ में? क्या क्या भैया, यदि घी निकालना है तो जिस दूध में फेट है ना, जिसमें घी है उसी को मतना है। रेत को मतोगे तो काम नहीं चलेगा, छाछ को मतोगे तो काम नहीं करे चलेगा। आप बोलो मैं उद्यम कर रहा हूँ उद्यम कर रहा हूँ उद्यम कर रहा हूँ तो काम नहीं चलेगा। आई बात समझ में है? क्या आई बात पकड़ रहे? उद्यम मतलब क्या? योग्य। हाँ, जहां से निकलेगा। अब समय दर्शन को प्राप्त करने के लिए जब तक अपने ज्ञाय स्वभाव का निर्णय नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, उसमें उसकी अनिर्विकल्प स्वसंवेदन को अनुभूति नहीं होगी तो सम्यक दर्शन। तो ये सब प्रक्रिया पूरी आपको करनी पड़ेगी। आई बात समझ? उसके बावजूद भी जब आपकी काल लब्धि पकेगी, जब उस पर्याय की होने की योग्यता होगी तब काम होगा। ये दूसरा कारण है। आई बात समझ? चले आगे। क्या कहा? जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करना है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है। भवितव्य है मतलब समझ गया है ना, जब उसका होना होगा पुत्र का तभी होगा। अरे कोई बोले कि मैंने शादी कर ली अब तो मेरे पुत्र हो जाना चाहिए, भैया दूसरा कारण मिलेगा तब होगा। आई बात समझ? और कोई बोले यदि मेरे भाग्य में पुत्र रत्न लिखा होगा तो हो ही जाएगा, भले मैं शादी करूं या नहीं करूं। भैया पहला कारण तो बुद्धिपूर्वक मिला, दोनों मिलेंगे तब काम होगा। आई बात समझ में? क्या है? अच्छा कोई बावला ऐसा बोले कुआरा मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी होगी, लिखा हुआ होगा भाग्य में तो हो जाएगा, आप क्या उपदेश दोगे उसको है? क्या बोलोगे? अरे मूर्ख, पहले शादी तो कर है? बोलोगे ना? और शादी कर ली और मान लो पुत्र नहीं हुए तब क्या वो क्या हो गया? भैया भवितव्यता जब होनी होगी तब होगी। आई बात समझ में? दोनों बात पकड़ में? क्योंकि दो कारण मिलने चाहिए। समय दर्शन कैसे प्राप्त होगा? बोलो भाई जल्दी बोलो, समय दर्शन कैसे प्राप्त होगा? पहले तो ये बोलो करना है कि नहीं करना है? तो एंटरटेनमेंट तो नहीं है कैसे प्राप्त होगा समय दर्शन? के बुद्धिपूर्वक हमको तत्व विचार करना पड़ेगा, आगम का अभ्यास करना पड़ेगा, युक्ति का अवलंबन लेना पड़ेगा,
गुरुओं के उपदेश का मिलान करना पड़ेगा, अंतरंग में अपने द्रव स्वभाव का निर्णय करना पड़ेगा, वेद विज्ञान करना पड़ेगा, एक तरफ अभेद आत्मा और एक तरफ सब उसको छोड़कर उसको उसको अपनी जो अभेद आत्मा है, अपना द्रव स्वभाव है, उसको ऊर्ध करना पड़ेगा, उसके सन्मुख जाना पड़ेगा, है ना। ये सब काम आपको करना पड़ेगा। अब इस कार्य को करने में जो जो आप पेनापन लाओगे जिस जिस तरीके से, वो सब ओके है, लेकिन ये नहीं करो और कुछ करो तो वो तो कारण ही नहीं मिला है आपने। आई बात सर, चार घंटा पूजा करता हूं, तत्व विचार बहुत कर लिया मैंने, धर्म का काम चार घंटा करता हूं। अरे भैया, समय दर्शन के लिए तत्व विचार जरूरी है। आई बात समझ में आए तो साहब, क्या पूजा छोड़ दो? किसने कहा छोड़ दी? हम तो कह रहे हैं कि सम्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए तत्व विचार करना पड़ेगा, सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझना पड़ेगा। चलो आगे। वहां पुत्र का अर्थी विवाह आदि का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयं हो तब पुत्र होगा। सीधा इसका अर्थ समझ में आ गया ना आपको? उसी प्रकार, ये तो अभी उन्होंने आपको दृष्टांत दिया, अभी उसके अब सिद्धांत घटाते हैं। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण, विभाव दो मतलब राजा दिक को मिटाने के कारण क्या करना है? बुद्धि पूर्वक को तत्व विचार अधिक है। क्या है? राग को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तत्व विचार करना पड़ेगा। राग को मिटाने के लिए कितना दान देना पड़ेगा? कितनी यात्रा करनी पड़ेगी? कितना उपवास करना पड़ेगा? बोलो भाई, राग को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तत्व विचार करना पड़ेगा। विचाराधिक में तत्व विचार, तत्व निर्णय, भेद विज्ञान, फिर उसमें एकाग्रता रूप में, ये सब राग को मिटाने के लिए करना पड़ेगा। आई बात ये है श्री। और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपसमाधि है। अब बुद्धिपूर्वक मतलब तेरे को मिलाने नहीं है, वो स्वयं मिलेंगे। क्या? जब तेरे मोहनी कर्म का उपशम हो जाएगा तो क्या होगा? तेरे वो समय दर्शन प्रकट हो जाएगा। आई बात समझ? दर्शन मोहनी का छह उपशम हो जाएगा, दर्शन मोहनी का छह हो जाएगा, ये सब अब बुद्धिपूर्वक है, उसमें तेरे को कुछ नहीं करना है। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या करना है? तत्व विचार करना है, ठीक है। तो उसका अर्थी, किसका अर्थी? जिसको पर्याय में राजा सिंह मिटाना है उसको क्या करना है? उसका अर्थी तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे। क्या करे? तत्व विचार का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपशम आदि स्वयं हो तब राजा सिंह दूर होते हैं। राजा सिंह कब दूर होते हैं? तत्व विचार का तो उद्यम करे बुद्धिपूर्वक और मोह कर्म का उपशम हो तब क्या होगा? राजा दिख दूर होते हैं। जब इतनी बात टोडर मंदिर साहब ने कही तो उनका शिष्य भी होशियार था। वो क्या करता है? एक बहुत सुंदर प्रश्न प्रस्तुत करता है कि साहब, तत्व विचार का उद्यम भी जब कर्म का उदय होगा तभी तो होगा। आई बात समझ? क्या कहता है वो? क्या कहता है? जब इतनी बात सुनाई टोडरमली साहब ने तो उनके शिष्य ने वो कैसे होता है? आप बोलोगे कि दुकान खोलेगा, मेहनत करेगा योग्य विधि से, जब तो तू पैसा कमाएगा। तो वो बोलता है दुकान खोलने का काम भी तो जब योग होगा तभी तो दुकान खुलेगी। उसने क्या कहा? क्या कहा? बात पकड़ में गया आपको? क्या कहा उसने? हमें दुकान खुलने के जब काम होगा, आप कह रहे हो दुकान खोले बिना अभी शादी करो, यदि आपको पुत्र रत्न प्राप्ति हो तो बोलेगा शादी की भी जब योग होगा तो शादी होगी। आई बात सर? तो उसने फिर क्या पकड़ लिया? वापस क्या पकड़ लिया उसने? किसको पकड़ लिया? वो जो अबुद्धिपूर्वक कारण है उसको उसने फिर मुख्य कर दिया कि जब ऐसा योग होगा तब काम होगा। तो वो उसी से प्रश्न खड़ा करता है, क्या कहता है? यहां कैसा कहते हैं? अभी मैं प्रश्न पढ़ लेता हूं, कल इस पर चर्चा करेंगे। यहां ऐसा कहते हैं कि
कि जैसे विवाह आदि भी अभी तभी आदिन है, अरे आप कह रहे हो शादी करो शादी करो शादी करो, वो कैसे शादी होती है, जब योग होगा तो होगी शादी। क्या कहता है वो भी भविष्य में आदिन है, मेरे हाथ में क्या है, दुकान भी खोलो खोलो व्यापार करना है तो दुकान कब खुलेगी, जब योग होगा जब भविष्यविता होगी दुकान खुलेगी तब दुकान खुलेगी। क्या कह रहा है शिष्य, क्या कह रहा है, प्रश्न समझ में आया आपको, क्या कह रहा है शिष्य, आप कह रहे हो तत्व विचार करो तत्व विचार करो तत्व विचार करो, जब काल पकेगा तब ऑटोमेटिक तत्व विचार हो जाएगा, ये क्या चक्कर है, जब भविष्य विदा होगी तब ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया आपको, अरे हाँ जी अन्ना जी प्रश्न तो समझ में आ गया ना, मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ, इसका उत्तर बहुत जोरदार है टोटोलॉजी साहब का जो अपन कल पढ़ेंगे। क्या यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाहादिक भी भविष्य में आदि है, उसी प्रकार तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षयोपशम आदि के आदि है, इसीलिए उद्यम करना निरर्थक है। फिर मेरे को क्यों मेहनत कराते हो, जब मेरी बुद्धि जब मेरा क्षयोपशम हो जाएगा तब ऑटोमेटिक में विचार करने लग जाऊंगा, अब तो मेरी बुद्धि ही कमजोर है, क्या करूं मैं, है पढ़ता हूं तो नींद आ जाती है, बहुत जने बोलते हैं जैसे मैं जिनवाणी हाथ में लेता हूं तो नींद आ जाती है, और पिक्चर देखने जाता है तो अरे बोलो ना तब तो नींद नहीं आती है, बहुत ऐसा लोग में होता है ना, कोई जरा सामान उठा के ले जाना है और बोले नहीं ले जा सकूंगा, और कोई मिलने वाला हो जाए और भी कथा करे तो एक घंटे तक सामान हाथ में रहे पता नहीं चलता है, नहीं होता हमारे गांव में ऐसा था ना, मैंने आपको पहले भी सुना है, पानी लाना नदी से तो सिर पे चरू रखे हुए एक एक दो 20-20 किलो के चरू 40 किलो और वजन लेके चलना है तो हर ऐसा क्या रहता है फटाफट पहुंचवा, लेकिन जब दो महिलाएं मिल जाती और घर की बात चल रही हो ठीक है तो वजन पता देता है उसको, अरे हाँ जी अन्ना जी है? तो वो क्या कहता है, बहुत सुंदर बात कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि जैसे विवाहादिक भी भवितव्य आदिन है, उसी प्रकार तत्व विचार भी तो कर्म के क्षयोपशम के आदिन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। मेरे हाथ में उद्यम करना कुछ नहीं, क्योंकि उद्यम करना भी कर्म के आदिन है, ऐसा उसने शिष्य ने प्रश्न किया। अब उसका उत्तर अपन कल पढ़ेंगे।